पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सारे वीडियोस को जाके ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहा करेंगे किसी भी न्यूज़ के, वो हम आपको जल्द से जल्द अच्छे तरीके से एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट जो आज हम देखने वाले हैं वो ये है कि पहले जो होता था 10+2 हुआ करता था, अब जो बदलाव आया है उसमें 5+3+3+4 होगा। दैट मीन्स कि ये काफ़ी कन्फ्यूजन है सारे बच्चों को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अब ये क्या है भाई। 10+2 तो ये था कि 10 साल हमने अपना पढ़ा, उसके बाद में 11th एंड 12th अलग होगा, बट अब थोड़ा सा डिफरेंस है, 5, 3, 3 और 4 इस तरीके से आपका जो एजुकेशन रहेगा वो पूरा डिवाइड करा गया है। तो चलिए ज़रा हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या बदलाव आए हैं। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव ये है कि अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 बेसिस पर चलता था, लेकिन अब ये सिस्टम 5+3+3+4 के बेसिस पे चलेगा। तो ये 5+3+3+4 क्या है? जो पहले 5 ईयर्स होंगे वो फाउंडेशन कंडीशन माना जाएगा किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए। बच्चे का बेस रेडी किया जाएगा जिसमें प्री प्राइमरी सेक्शन होता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और साथ में क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, ये 5 क्लासेस ली जाएंगी। इसका एजुकेशन पैटर्न NCERT के हिसाब से बनाया जाएगा। इसके अलावा फाउंडेशन में स्पोर्ट का बहुत ज़्यादा एम्फोसिस रहेगा और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी सिखाया जाएगा। मतलब ये है कि किताबों का बंडल कम होगा और अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल होने का चांसेस रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होंगे उसमें स्टूडेंट्स का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इन पे कमांड बनाया जाएगा। और क्लासेस कौन सी होंगी? 3rd, 4th and 5th क्लास। अब जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं वो मिडिल स्टेज माना जाएगा एजुकेशन में, और ये मिडिल स्टेज फ्रॉम क्लास 6th to class 8th रहेगा, मतलब 6th, 7th and 8th। तो ये जो स्टेज होगा 6th to 8th वाला, इसमें न्यू एजुकेशन पैटर्न, एक न्यू कैरिकुलम आएगा जिसके हिसाब से बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। इसके बाद आता है फाइनल 4 ईयर स्टेज जो क्लास 9th से लेकर 12th क्लास तक रहेगा, जिसमें बच्चों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर उन्हें उस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, मतलब उनका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रीम सिस्टम को वैनिश किया गया है और एक नया सिस्टम ऐड किया गया है। वो कैसा? एक स्टूडेंट ने आर्ट सब्जेक्ट लिया है तो उसके लिए कॉमर्स और साइंस के सारे सब्जेक्ट्स एक्सेसिबल नहीं होते हैं। वहीं अगर किसी ने मैथ्स ले लिया है तो उसके लिए आर्ट्स एक्सेसिबल नहीं होता, कॉमर्स एक्सेसिबल नहीं होता है, बट यहाँ पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आर्ट्स पढ़ सकते हैं। एक हाइब्रिड कोर्स रेडी किया जाएगा, ठीक है, और उस कोर्स में अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जाएंगे, मतलब एक कॉम्बो रहेगा मे बी जिसमें आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट साथ में हो, और आपको वो कॉम्बो चूज करना पड़ेगा आपको जो आपका इंटरेस्ट होता है, बेस्ट इंटरेस्ट होता है। तो इन हाइब्रिड कोर्सेज से, इन कॉम्बिनेशन से आप अपने पसंद के विषयों को, सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएंगे। एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ से निकल के आया है फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, जो पहले 5 साल हैं, जहाँ जो हमारा फाउंडेशन पार्ट है उसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, मतलब आपकी नेटिव लैंग्वेज, आपकी मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज में टीचर पढ़ाना चाहे पढ़ा सकते हैं, और आप भी अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती या उर्दू किसी भी लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड कराना है तो आप टिल क्लास 5, 5th क्लास तक आप अपने बच्चे को वो एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह वहां पर आपको रहेगा, दैट्स इट। जो अगला बदलाव आया है वो कुछ इस तरीके से है कि 6th क्लास से, जब बच्चा 6th क्लास में आ जाता है तो वहां से उसको बहुत ही अच्छी चीज है एक, जो कि है कोडिंग।
है ना, कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, एक इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कोडिंग कि हर किसी को आना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, इतना ज़्यादा एम्फोसिस नहीं दिया जाता था कोडिंग के बारे में। हमें बहुत से लोगों को ट्वेल्थ तक भी नहीं मालूम होता था व्हाट इज़ दिस कोडिंग, बट अब जो बच्चा सिक्स क्लास में आएगा वहाँ से उसको कोडिंग सिखाई जाएगी और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इसमें ऐड कर दी गई हैं कि आप जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो हम इस पॉइंट को भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि वैसे जैसे ही क्लास सिक्स्थ में स्टूडेंट पहुंचता है तो उसे कंप्यूटर कोडिंग सीखने को मिलेगा। मतलब जैसे अदर कंट्रीज़ में छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर और रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और इंडल्ज हो जाते हैं, वैसे ही अब हम भी क्लास सिक्स्थ में आते ही कंप्यूटर कोडिंग और अदर एडवांस कोर्सेज में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं और उसको कैरिकुलम के हिसाब से पढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब है आप सिक्स्थ क्लास से ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन जैसी चीज़ों को बनाने की टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। और तो और आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं फ्रॉम क्लास सिक्स्थ। इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते हैं कि कैसे क्लाइंट वर्क किया जाता है, कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप इंटर्नशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो वंस यू कम टू क्लास सिक्स्थ। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे स्केचर हो, आप तो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास जाकर आप उनसे इंटर्नशिप ले सकते हो और उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हो कि हाँ आपने यहाँ पर ट्रेनिंग की हुई है, जो आपके पोर्टफोलियो में यूजफुल रहेगा। तो जैसे ही आप अपना सिक्स्थ क्लास सिक्स्थ टू एट्थ का जो मिडिल स्कूल है वो कंप्लीट करके आते हैं तो नाइन्थ टू ट्वेल्थ का जो फोर्थ चार साल वाला प्लान बचता है उसमें अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक जो जैसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, फीजिबिलिटी है। अगर आपको मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साथ ही में आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है या फिर आपको फिजिक्स पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है बट केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट नहीं है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, और सोशल साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरीके के सब्जेक्ट का जो मिक्सचर है ना, ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, फिजिबिलिटी दी गई है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको मान लीजिए मैथ्स तो पसंद है ही बट साथ में आपको डांसिंग आपको बहुत पसंद है, आपका पैशन है डांसिंग या आपकी हॉबी है, तो आप ये चीज़ भी अपने सब्जेक्ट्स के साथ में चूज़ कर सकते हैं, डांसिंग, म्यूजिक। तो ज़रा इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो 9 टू 12th में टू सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, जो एग्ज़ाम होंगे वो दो सेमेस्टर में होंगे। फर्स्ट सिक्स मंथ में पहला एग्ज़ाम होगा और नेक्स्ट सिक्स मंथ में दूसरा एग्ज़ाम होगा। फाइनल मार्कशीट बनेगा वो दोनों सेमेस्टर के रिजल्ट्स को देखते हुए बनेगा। इसके अलावा जो और ख़ास बात ये है 9 टू 12th के बीच में कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेमोराइजेशन पे या फिर एक स्पेसिफिक चैप्टर के बेसिस पे जो मार्क्स मिलते थे उसकी जगह पे अब एक 360 डिग्री असेसमेंट होगा रिपोर्ट कार्ड का, जिसमें आपकी सारी एक्टिविटीज़ पूरे ईयर का असेसमेंट किया जाएगा, आप किस एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेशन किया है उस बेसिस पे आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको देखकर। तो 360 असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें, एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि आप खुद को असेस करेंगे, आप खुद को पॉइंट्स देंगे, आपके फ्रेंड्स आपको असेस करेंगे, वो सजेस्ट करेंगे अपने आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, फिर आपके टीचर आपको असेस करेंगे और उसके बाद उसके बेसिस पे आपके पूरे साल भर का रिजल्ट प्रिपेयर होगा। न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है, उसमें टीचर्स को किस तरीके से पढ़ाना है ये बताया जाएगा। साथ ही साथ में पेरेंट्स के लिए, ठीक है, जब बच्चा तीन साल तक का रहता है तो वो पेरेंट्स की ही गाइडेंस में रहेगा, तो तीन साल तक के बच्चे को किस तरह का करिकुलम रहेगा, किस तरीके की उसको चीज़ें सिखानी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में एक पूरा करिकुलम बनाया जाएगा पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स के लिए। तो ये कुछ स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं स्कूल से निकलने के बाद, है ना, जब आप ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ बोर्ड पास आउट होकर निकलेंगे उसके बाद में क्या होने वाला है, तो ज़रा हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी एक इतना अच्छा चेंज लाया गया है, इतना बेनिफिशियल चेंज है कि जो आप सभी सुन के शॉक्ड होने वाले हैं कि वाह व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अमेजिंग, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ में। जब आप आ जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ होती है एंट्रेंस। आपको कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में
वो एडमिशन लेने के लिए आपको किस तरीके से ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, UGCs और AICTE को मर्ज कर दिया गया है ना, इन्हें इनको मर्ज कर दिया गया। अब ये एक ही उसमें काम करेंगी, ठीक है, एक ही तरीके के से काम करेंगी। और जो एंट्रेंस टेस्ट होता है सारी यूनिवर्सिटी का, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, एक कॉमन सिलेबस रहेगा, तो जो आपको प्रिपेयर करना है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भाई आपको अलग से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग सिलेबस नहीं रहेगा, एक सेम सिलेबस रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि UGC और AICTE को मर्ज करने का डिसीजन लिया गया है, और जो एंट्रेंस होगा वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। काफी अच्छी न्यूज है ये, है ना। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं, कई बार क्या होता है कि जब 12th तो हम कर लेते हैं, बट किसी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपने कर लिया लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए, उस कारण से आपको कॉलेज छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर कर लिए और फिर आपको वापस, अगर कभी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वापस से पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर। तो अब ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि अगर मान लीजिए आपने एक साल पढ़ा, फर्स्ट ईयर आपका हो गया, और अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ना पड़ रहा है, तो आपके उस साल के फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स जो रहेंगे वो क्रेडिट ऐड कर दिए जाएंगे, और उस क्रेडिट के बेस पे आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो अब जब आप कभी 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1 साल बाद वापस ज्वाइन करते हैं, तो आपको वापस से रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आपका क्रेडिट देखा जाएगा और क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपको सेकेंड ईयर से वापस अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, और एक 4-ईयर प्लान निकाला गया है जिसमें चौथे ईयर में, जो बच्चे 4 साल तक पढ़ना चाहते हैं, तो चौथे ईयर में आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिसर्च वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिसर्च पे इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, या फिर हम जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वहाँ पे रिसर्च के बारे में आपको कुछ नहीं सिखाया जाता है ज़्यादातर, है ना। तो रिसर्च जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब क्या होगा कि रिसर्च लैब्स बनाए जाएंगे, इवन अगर आपके यूनिवर्सिटी में लैब की व्यवस्था नहीं है तो वर्चुअल लैब्स का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है, है ना। तो आपको रिसर्च करने डेफिनेटली मिलेगा, आप रिसर्च बढ़िया तरीके से कर सकते हैं अगर आप 4th ईयर में पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चे घूम फिर के कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान देगी रादर देन रट्टा मार, है ना। रट्टा मार वाला काम जो है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। रट्टा मार के 12th बोर्ड में एकदम टॉप कर जाना, फिर आगे जाके इस चीज़ में प्रॉब्लम करना, तो ये चीज़ जो है हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करा, और उन्होंने कहा है कि रट्टा मार वाला जो काम है दैट विल बी वैनिश्ड नाउ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव टू गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट, यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिकल स्किल्स। आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है आपके माइंड को, ठीक है, दिमाग को आपको सिर्फ रट्टा मार वाली चीज़ में नहीं घुसाना है, आपको अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, आपको आपके जो बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पसंद है, डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, व्हाटएवर, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में से आप जो भी चूज करना चाहते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा, और आप बढ़िया अपने पसंद के सब्जेक्ट पढ़ोगे। और ये चीज़ है ना कि जब हमें पसंद का सब्जेक्ट मिलता है, मान लो जैसे हमने साइंस चूज़ करा, बट हमें साइंस में सिर्फ बायोलॉजी पसंद था, हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था, बट हमें ज़बरदस्ती वो मजबूरन पढ़ना पड़ रहा था, जैसे तैसे करके हम पास हो गए, बट हमें समझ कुछ नहीं आता उसमें, ऐसा होता है हमारे साथ में, है ना। तो अब वो चीज़ नहीं है कि भाई मुझे नहीं पढ़ना फिजिक्स केमिस्ट्री, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, तो मैं वो नहीं लूँगी, मुझे जो पसंद है मैं वही सब्जेक्ट लेके पढ़ूंगी, है ना। तो ये चीज़, और उस चीज़ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैं गेन करूँगी, जैसे कि मैं उसमें मास्टर कर सकूँ, उस सब्जेक्ट के में मैं मास्टर कर सकूँ, मैं आगे जाके जो भी करना चाहती हूँ उसी से रिलेटेड करूँ, बाकी सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगी, है ना। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी जो आप सभी को आज मैंने दी है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, और एजुकेशनल वीडियोस जो भी हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के डले हुए हैं, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।